तर्जन कर रहे हो। छोटा सा बच्चा सोता हुआ अच्छा लगता है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, अपनी मेहनत में तल्लीन हो जाए, अपनी मेहनत के प्रति प्रबल हो जाए, वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता, वो बच्चा कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी अध्ययन करते हुए, अपना परिश्रम करते हुए अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, बेलपत्र चढ़ाने का महत्व क्या है, चावल के एक दाने का महत्व क्या है, शमी के पत्ते का महत्व क्या है, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था, तब तक आप समझो कि सो रहे थे और देवाधिदेव महादेव आनंद में थे। अब आपको मालूम पड़ गया कि जल का महत्व क्या है, तब आप जानने के बाद ये विचार अपने हृदय में लेकर आना कि अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे दुनिया की ठोकर नहीं खाना है, अब मुझे बाबा महादेव के चरणों में एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को सवारना। बोलबम का नारा है, बाबा है। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर के। शिव भजन से क्या नहीं मिलता? शंकर जी की आराधना से क्या प्राप्त नहीं होता? हम तो इतना जरूर कहेंगे कि आप ज्यादा शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, आप ज्यादा शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंच सकते, आप भगवान के मंदिर में ज्यादा नहीं जा सकते, तो हम तो यहाँ तक कहेंगे, जैसे शादी में जाओ कुछ खाओ ना खाओ, शादी में जाओ बैठो ना बैठो, शादी में जाओ कुछ देओ ना देओ, पर शादी में जाओ तो जिसके घर की शादी है उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ। क्यों मुंह दिखाकर आओ? जिससे उसको मालूम पड़े कि हमारे घर की शादी में ये आया था, तो तुम्हारे यहाँ जब शादी हो तो वो भी तुम्हारे घर पर जरूर आए, भले खाए ना खाए, दे ना दे, पर तुम शादी में जाओ कुछ खाओ ना खाओ, कुछ देओ ना देओ, कुछ बैठो ना बैठो, पर उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ, जिससे ये मालूम पड़े कि मैं तुम्हारे घर शादी में आया था, तो उसके यहाँ उसको ये लगे कि इसके घर की शादी में मुझे जाना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है मत चढ़ाओ, बेलपत्र नहीं है मत चढ़ाओ, शमी पत्र नहीं है मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं है मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ, वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाना है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम उसकी चौखट तक जाते रहे, हम उसके दरवाजे तक जाते रहे, और जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो कैसे आए? उसको पुकारा ही नहीं हमने तो आएगा कैसे? कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए, कोई जाए जो काशी मेरा पैगाम ले जाए, मैं खुद तो ले जाना,
काशी में मेरा हम खुद कुछ भी नहीं लेकर जा सकते, हम उसके दरवाजे पर नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, हम उसके दरवाजे के सामने से भी अगर निकल कर चले गए तो हमारी जिंदगी की सार्थकता उसके सम्मुख